कुशवा जी, आप ये बताइए कि आज जिलाधिकारी आए, क्या मामला है इस मामले? आज हम सभी कुशवा समाज के लोग कुशवाहा समाज पर बढ़ रहे उत्पीड़न के विरोध में, साथ ही अभी हाल ही में कानपुर में कुशवाहा समाज की बेटी डॉली कुशवाहा के साथ हुए बलात्कार और बलात्कार के बाद उस बहन की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। साथ ही जालौन जिले के कोंच में रहने वाली आकांक्षा सैनी, जिस पर अभी 23 तारीख को तेजाब फेंक कर उसको घायल किया गया, जो आज मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में भर्ती है। इस समय कुशवाहा समाज की महिलाओं पर जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, इसके विरोध में सरकार को हम लोग चेताने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अगर कुशवाहाओं के ऊपर, कुशवाहा समाज की बेटी बहु बेटियों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके के मामले अगर आगे आएंगे, तो कुशवाहा समाज किसी भी हाल में इन बातों को, इन मामलों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अपनी पूरी शक्ति के साथ आने वाले समय में इनका विरोध ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ज्ञापन किसको किया है? ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को हम ये दोनों घटनाओं के लिए अवगत करा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जो डॉली कुशवाहा के हत्यारे प्रतीक शाह के हैं, उनको फांसी दी जाए और आकांक्षा सैनी के ऊपर जिन्होंने ये एसिड की घटना घटित की है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की वारदातों पर अंकुश लग सके।